सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर चल रही फिल्मों के टोटल कलेक्शंस के बारे में, जिसमें दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं फिल्म वॉर, सैरा नरसिम्हा रेड्डी, छिछोरे, ड्रीम गर्ल और इन सभी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो कि आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर चल रही है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं फिल्म छिछोरे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जैसा कि रिलीज किया गया था 6 सितंबर को। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि ये फिल्म कॉलेज लाइफ के ऊपर बनाई गई है, जैसा कि डायरेक्ट किया है नितेश तिवारी ने। दोस्तों नितेश तिवारी इससे पहले दंगल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बना चुके हैं और दोस्तों इस बार वो लेकर आए हैं छिछोरे, जिसके लीड में आपको दिखाई दिए हैं सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर। दोस्तों इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में 2200 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और इस फिल्म ने अपने पहले दिन कमाए थे 7,32,00,000 रुपए। डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस फिल्म ने अपने फर्स्ट वीक में टोटल कमाई की थी 68,83,00,000 रुपए की, वहीं सेकंड वीक में इस फिल्म ने कमाए थे 40,47,00,000 रुपए। बताने चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिले थे, वहीं क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को काफी अच्छी रेटिंग्स दी थी। इसी कारण से इस फिल्म ने अपने थर्ड वीक में भी काफी अच्छी कमाई की और कमाए 24,23,00,000 रुपए, फोर्थ वीक में कमाए 15,30,00,000 रुपए। वहीं दोस्तों ये इस फिल्म का फिफ्थ वीकेंड था और फिफ्थ वीकेंड में इस फिल्म ने कमाए है 1,53,00,000 रुपए। इसी के साथ दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की ये फिल्म इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली फिल्म बन चुकी है और आपको बताते चले दोस्तों कि इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी कई सारी फिल्मों को पीछे कर दिया है और 2019 की हाईएस्ट ग्रोसर फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। दोस्तों इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन लगभग 220 करोड़ का हो चुका है और यह फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के कैरियर की हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म बन चुकी है। बात की जाए यहाँ पर ड्रीम गर्ल फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जो की एक लव रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म के लीड में दोस्तों आपको आयुष्मान खुराना, नुसरत बारूचा, अन्नू कपूर और विजय राज नजर आए हैं। वहीं दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है राज शांदिलिया ने। बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म को 13 सितंबर के दिन लगभग 2700 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और इस फिल्म ने अपने पहले दिन कमाए थे 10,05,00,000 रुपए, जो कि एक तरह से काफी अच्छी ओपनिंग थी आयुष्मान खुराना स्टारर के लिए। फर्स्ट वीक में दोस्तों इस फिल्म ने कमाए थे लगभग 72,20,00,000 रुपए, वहीं सेकंड वीक में इस फिल्म का कलेक्शन रहा था 38,60,00,000 रुपए का। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को भी ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिले थे, वहीं क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को काफी अच्छी रेटिंग्स दी थी। इसी कारण से दोस्तों इस फिल्म ने अपने थर्ड वीक में कमाए 22,05,00,000 रुपए, वहीं दोस्तों फोर्थ वीकेंड में इस फिल्म ने कमाए है 2,40,00,000 रुपए। इसी के साथ इस फिल्म का टोटल कलेक्शन इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर हो चुका है 135,25,00,000 रुपए का। वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म लगभग 200 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। इसी के साथ दोस्तों आयुष्मान खुराना के कैरियर की यह फिल्म सेकंड हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म बन चुकी है और नंबर वन पर रहती है, यहाँ पर बधाई हो। बताने चले दोस्तों आपको कि इस तरह से यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई है और 2019 की हाईएस्ट ग्रोसर फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। बात की जाए यहाँ पर अब फिल्म वॉर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वॉर फिल्म जो कि इस साल रिलीज हुई सबसे बड़ी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म के लीड में दोस्तों आपको बॉलीवुड के दो बड़े एक्शन स्टार्स ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ नजर आए हैं। वहीं उनका साथ दिया है दोस्तों इस फिल्म में वाणी कपूर और आशुतोष राणा ने। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों सिद्धार्थ आनंद ने। बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म को 2 अक्टूबर के दिन लगभग 4,000 स्क्रीन पर इंडिया में रिलीज किया गया था और 1,350 स्क्रीन इस फिल्म को ओवरसीज मार्केट में मिली थी। हालांकि अगर बात की जाए इस फिल्म के अभी तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म का बज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा था। इसी कारण से इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 53,35,00,000 रुपए, जो कि बॉलीवुड हिस्ट्री की सबसे बड़ी ओपनिंग है और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, भारत, प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों को पीछे करते हुए ऋतिक और टाइगर की इस फिल्म ने एक रिकॉर्ड बना दिया था। सेकंड डे में भी दोस्तों इस फिल्म ने काफी अच्छी कमाई की और कमाए 24,35,00,000 रुपए। वहीं दोस्तों थर्ड डे में इस फिल्म के कलेक्शन रहे 22,45,00,000 रुपए। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिले हैं, वहीं क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को काफी अच्छी रेटिंग्स दी है। इसी कारण से दोस्तों इस फिल्म ने अपने फोर्थ डे में कमाए हैं 28,70,00,000 रुपए और अपने फिफ्थ डे में दोस्तों इस फिल्म ने हाईएस्ट ग्रोथ दिखाई है और लगभग 36 करोड़ की कमाई इस फिल्म ने अपने फिफ्थ डे में की है। इसी के साथ इस फिल्म का टोटल कलेक्शन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर हो चुका है 165 करोड़ रुपए का। वही दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म लगभग 233 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी पसंद किया जा रहा है। इसी कारण से दोस्तों ये फिल्म वीकडेज में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही
रही है। और आज दोस्तों इस फिल्म ने अपने छठे दिन मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी हासिल की है 15-20% की। वहीं दोस्तों इवनिंग में इस फिल्म के जो शो है वो हाउसफुल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज नवमी होने के कारण इंडिया में कई सारी जगहों पर छुट्टियां घोषित हो चुकी है। इसी कारण से दोस्तों आज ये फिल्म अपने छठे दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 18 करोड़ की कमाई करती नजर आ रही है। इसी के साथ इस फिल्म का टोटल कलेक्शन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर हो चुका होगा 185 करोड़ रुपए का। वही दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म लगभग 250 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी होगी। और लगभग 205 करोड़ के बजट से बनी दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस सहित वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म बन चुकी है। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स थे और डिजिटल राइट्स थे वो भी काफी महंगी प्राइस पर बिके थे। इसी के साथ ये फिल्म यशराज बैनर के तले बनी हुई एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है। बात की जाए यहाँ पर सारा नरसिम्हा रेड्डी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि भारत के वीर स्वतंत्रता सेनानी सारा नरसिम्हा के ऊपर बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म के लीड स्टार्स में दोस्तों आपको नजर आए हैं मेगा स्टार चिरंजीवी, महानायक अमिताभ बच्चन सर, विजय सेतुपति और किच्चा सुदीप। वहीं दोस्तों उनका साथ दिया है जगपति बाबू, तारा और तमन्ना ने। बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म को भी लगभग 4000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सुरेंद्र रेड्डी ने। वहीं दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर है रामचरण। बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी आउटस्टैंडिंग कमाई की और वॉर जैसी फिल्म को अपने पहले दिन पीछे करते हुए इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 62 करोड़ रुपए। हालांकि दोस्तों इस फिल्म के सेकंड डे के कलेक्शंस काफी कम रहे और इस फिल्म ने अपने सेकंड डे में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाए 18 करोड़ 50 लाख रुपए। थर्ड डे में दोस्तों इस फिल्म ने कमाए थे 13 करोड़ रुपए। वहीं फोर्थ डे में कमाए थे 13 करोड़ 50 लाख रुपए। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को भी ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। वहीं दोस्तों इस फिल्म को क्रिटिक्स ने भी काफी अच्छी रेटिंग्स दी है। सबसे मेन पॉइंट तो दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिलने के साथ ही इस फिल्म के एक्शन की भी काफी तारीफें हो रही है। साथ ही में दोस्तों मेगा स्टार चिरंजीवी के 62 साल की उम्र में भी इस तरह के एक्शन सीन्स देखने के बाद ऑडियंस पागल हो चुकी है। तो अगर बात की जाए इस फिल्म के अभी तक के टोटल कलेक्शंस की, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने 5 दिनों के वीकेंड में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 125 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। वहीं दोस्तों छठे दिन आज भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगभग 10 करोड़ की कमाई कर रही है। इसी के साथ इस फिल्म का टोटल कलेक्शन इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर हो चुका होगा 140 करोड़ रुपए का। वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 190 करोड़ के आंकड़े को पार करके बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हो चुकी है। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म के भी जो सैटेलाइट राइट्स है और म्यूजिक राइट्स है वो भी काफी महंगे दामों पर बिके हैं। तो बात की जाए इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स की, तो दोस्तों इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स बिके हैं 45 करोड़ रुपए में। वहीं इस फिल्म के जो डिजिटल राइट्स है वो बिके हैं लगभग 42 करोड़ में। म्यूजिक राइट्स दोस्तों इस फिल्म के बिके हैं 15 करोड़ में। इस तरह से दोस्तों ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 340 करोड़ की कमाई अभी तक कर चुकी है और लगभग 270 करोड़ के बजट से बनी दोस्तों ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर प्रोड्यूसर्स के लिए एक हिट फिल्म साबित हुई है। अब बात की जाए दोस्तों यहाँ पर अदर फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर नाम आता है जोकर फिल्म का। जो कि हॉलीवुड की एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। बताया दोस्तों आपको कि ये एक डार्क फिल्म है जिसके लीड में आपको जोकिन फिनिक्स और कई सारे स्टार्स नजर आए हैं। दोस्तों इस फिल्म में जोकर का किरदार निभाते हुए जोकिन फिनिक्स ने सभी को इम्प्रेस किया है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है टॉड फिलिप्स ने। बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म ने जहां अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तो लगभग 6.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी, वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने काफी शानदार कलेक्शन किया है और इस फिल्म ने दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 240 मिलियन को भी क्रॉस कर चुकी है और इस साल रिलीज होने वाली और अक्टूबर मंथ में रिलीज होने वाली अमेरिकन फिल्मों में सबसे ऊपर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अभी तक लगभग 30 करोड़ की कमाई कर ली है। वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 240 मिलियन को क्रॉस कर चुकी है। लगभग 60 मिलियन के बजट से बनी दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है और दोस्तों जोकिन फिनिक्स के किरदार को देखते हुए लग रहा है कि दोस्तों ये फिल्म इस साल के ऑस्कर अवार्ड सारे ले जाने वाली है। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे इस चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। So awful, isn't it? For my whole life, I didn't know if I even really existed.